तो फ्रेंड्स, आज हो गई है 10 जनवरी 2022 और आपको पता है कि आज से ही रीट के जो आवेदन है फ्रेंड्स, वो लिए जा रहे हैं। लगभग 1 महीने तक ये आवेदन लिए जाएंगे। इस आवेदन में आप सब अभ्यर्थी जो है वो आवेदन कर सकते हैं। सबका अलग अलग क्राइटेरिया डिसाइड किया गया है फ्रेंड्स। आप इधर देख सकते हो कि इनमें से अगर आप एलिजिबल हो तो आप आवेदन कर सकते हो फ्रेंड्स। आप एक बात ध्यान रखिए फ्रेंड्स, इस बार 2 गुने अभ्यर्थियों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए पात्र किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप सब अभ्यर्थी बेझिझक होकर के आवेदन कीजिए। इसमें बहुत ही कम आपसे आवेदन फीस ली जा रही है, तो आप ऐसा ना सोचें कि मैं आवेदन करूँ या ना करूँ। अब इसमें जितने भी डॉक्यूमेंट है फ्रेंड्स, कि किन किन डॉक्यूमेंट की आपको आवश्यकता पड़ेगी, तो वो मैंने आपको पहले भी बता दिए थे और मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि इसमें जो भी आपकी मार्कशीट है उसकी डिटेल भरने में आएगी, और इसके अलावा जो कास्ट सर्टिफिकेट है फ्रेंड्स वो लगने वाला है। लेकिन इन सबसे ज़रूरी था फ्रेंड्स, सर्टिफिकेट रीट का जो सर्टिफिकेट था आपका, वो अगर अभी तक आ जाता, मुझे और आप सबको लग रहा था कि 10 जनवरी के पहले रीट का सर्टिफिकेट आपको देखने को मिल सकता था। लेकिन अभी तक वो रीट का सर्टिफिकेट है वो जारी नहीं किया है बोर्ड ने, तो अब उसके बिना क्या अब हम आवेदन कैसे करेंगे, और आवेदन करेंगे तो उसके लिए पात्र होंगे या नहीं होंगे, ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में आ रही होगी। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि अगर इन्होंने जो सर्टिफिकेट है अगर वो इन्होंने जारी नहीं किए हैं तो उसका कोई ना कोई ऑप्शन जरूर निकल करके आएगा, ताकि आप बिना सर्टिफिकेट के आवेदन कर सको। हालांकि जो सर्टिफिकेट है फ्रेंड्स, वो आज या कल में जारी हो सकता है। अगर ये ऑनलाइन जारी होता है फ्रेंड्स, तो आपको डीजी लॉकर में या फिर जो बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट है वहां से इसको डाउनलोड करने का लिंक दे दिया जाएगा। और अगर ये ऑफलाइन मिलता है तो आपको पास की जो गवर्नमेंट संस्था है या कोई स्कूल है वहां पर सेंटर बना करके आपको सूचित कर दिया जाएगा। आप अपना रिजल्ट दिखा करके आपका जो ऑफलाइन सर्टिफिकेट है वो प्राप्त कर सकते हो। तो अभी जैसे ही आवेदन के लिए आपसे फॉर्म भरने में आएंगे, तो उसमें जो डिटेल रहेंगी फ्रेंड्स, वो देखने के बाद में पता चलेगा कि यह रिजल्ट में रोल नंबर, फॉर्म नंबर और आपका जो रिजल्ट है उसके अलावा किस किस चीज़ की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई इसका हल जरूर निकलेगा, ताकि आप बिना सर्टिफिकेट के आवेदन कर सको फ्रेंड्स। एक बात का विशेष ध्यान रखिए कि अभी जो आवेदन होने वाले हैं, इसमें किसी भी प्रकार की आपको जल्दीबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। आप 2-4 दिन बाद आराम से देख करके सारी जानकारी लेकर के आवेदन कीजिए, और आवेदन आप ई मित्र वाले भैया से ही करवाइए। आप खुद से आवेदन ना करें, क्योंकि खुद से आवेदन करने पर आपसे कोई गलती हो सकती है फ्रेंड्स। हालांकि इसमें आप बाद में दोबारा भी आवेदन कर सकते हो, लेकिन ऐसी नौबत ना आए ये आप ध्यान रखिए फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।